सब्सक्राइब करिए जीके मास्टर को और बेल आइकन को प्रेस करिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके मास्टर। जीके मास्टर के इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टेक्निकल ट्रिक सीखेंगे जो कि आप आपके मोबाइल में कुछ सीक्रेट सेटिंग से वो सारे सीक्रेट्स को आज मैं खुलासा करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, पहले आप अपने मोबाइल पे एक ऑप्शन को ऑन करना होगा, वो ऑप्शन है डेवलपर मोड ऑप्शन। तो इसे ऑन करने के लिए आप आपके मोबाइल के सेटिंग में जाएंगे। उसके बाद सबसे नीचे एक ऑप्शन होगा अबाउट डिवाइस, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी जो मोबाइल डिवाइस है उसका हार्डवेयर इंफॉर्मेशन निकल आएगा। जो भी मोबाइल है उसका हार्डवेयर इंफॉर्मेशन है, मतलब डिवाइस नेम, मॉडल नंबर, ये सब निकल आता है। तो इसमें कुछ काम नहीं है, हमारा काम है सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में। तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन एक ऑप्शन होगा, तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इस तरह के मोबाइल अलग अलग तरह के होते हैं, पर सेटिंग्स जो है सबके एक तरह के होते हैं। स्पेशली आप लोगों के एंड्रॉयड फ़ोन जो है उसके सेटिंग्स निकालने होंगे तो यहाँ पे पता चलता है कि आपका मोबाइल का एंड्रॉयड वर्सन कौन सा है। जैसे कि यहाँ पर मेरा लिखा है एंड्रॉयड वर्सन 6.0.1, तो ये है एंड्रॉयड वर्सन। इसको अगर आप 3-4 बार क्लिक करेंगे तो आपको एक गेम मिलेगा खेलने के लिए, पर ये गेम जो निकलेगा वो मार्समेलो वर्सन में ही निकलेगा। जिसका मोबाइल मार्समेलो है वो गेम खेल सकता है अगर इसको 3-4 बार क्लिक करेगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे गेम ऑन होता है इसमें। ये देखिए, ये मार्समेलो का साइन आ गया, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये एंड्रॉयड का साइन आ गया, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो गेम आएगा। ये देखिए, गेम ऑन हो गया, तो इसे मैं अभी खेल सकता हूँ। उप्स, तो इस तरह का आप गेम खेल सकते हैं यहाँ पर आपकी जो एंड्रॉयड वर्सन है वहाँ पर क्लिक करके। तो दोस्तों, इसके नीचे में एक बिल्ड नंबर है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप 7 बार कंटिन्यूसली क्लिक करेंगे तो आपकी जो डेवलपर ऑप्शन मोड है वो ऑन हो जाएगा। पर यहाँ पर बिल्ड नंबर है और कुछ कुछ मोबाइल में सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन होगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको डेवलपर ऑप्शन मोड ऑन हो जाएगा। तो अभी मैं ये बिल्ड नंबर को 7 बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा पहले से डेवलपर ऑप्शन मोड ऑलरेडी ऑन है। तो इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो वो बोलेगा कि आपका डेवलपर ऑप्शन मोड जो है पहले से ऑन हुआ है, ऑलरेडी ऑन। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर लिख रहा है नो नीड, डेवलपर मोड हैज ऑलरेडी बीन एनाबल। मेरे पहले से एनाबल है, पर आपके अगर डेवलपर ऑप्शन मोड एनाबल नहीं है तो यहाँ पर 7 बार क्लिक करेंगे तो वो डेवलपर ऑप्शन मोड ऑन हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप इसको बैक कर लेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे। फिर से मैं बैक कर लेता हूँ, आपकी मोबाइल के फिर से सेटिंग्स में जाएंगे और सबसे नीचे जो अबाउट डिवाइस है उसके ऊपर मिल जाएगा आपको डेवलपर ऑप्शन मोड का जो सेटिंग्स है वो मिल जाएगा अबाउट डिवाइस के ऊपर। पर ये जो अबाउट डिवाइस के ऊपर होता है, पर कुछ कुछ मोबाइल में मोर सेटिंग्स में मिलता है डेवलपर ऑप्शन जो होता है। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो सारे सीक्रेट सेटिंग्स निकल आएगा। ये देखिए कितने सारे सेटिंग्स चलाया, तो मतलब जितने भी सीक्रेट खजाना था वो निकल आया, जो कि आपकी एंड्रॉयड में होता रहता है पर आपको पता नहीं होता है। तो आपका जो सब सेटिंग्स काम का है, इम्पोर्टेंट है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और आपके मोबाइल को स्पीड कैसे करते हैं, तो आपके मोबाइल जो स्लो हो रहा है, हैंग हो रहा है, तो इस सेटिंग्स में आप कुछ हद तक शट आउट कर सकते हैं, मतलब स्पीड अप कर सकते हैं इन सेटिंग से। डेवलपर ऑप्शन सेटिंग में आपका मोबाइल कुछ हद तक स्पीड हो सकता है, और वो सेटिंग्स में सारे कहने वाला हूँ, तो आप बस इसे एंड तक देखिए। पर याद रखिए, इस सेटिंग्स में ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ मत करिएगा।
तो पहला ऑप्शन है इसका स्टे अवेक। दोस्तों यहाँ पर एक सेटिंग है स्टे अवेक, तो स्टे अवेक ऑप्शन का काम क्या है, अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो आप अगर मोबाइल को चार्ज में बिठाते हैं, चार्ज करते हैं, तो वो स्क्रीन ऑफ नहीं होगा, वो स्क्रीन ऑन ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके नीचे दोस्तों रनिंग सर्विसेज एक है। दोस्तों ये रनिंग सर्विसेज एक ऑप्शन है जो कि स्पीड कर सकता है, पर इसी तरह का बहुत सारे सेटिंग्स है, मैं आपको पूरी डिटेल्स में कहने वाला हूँ। तो ये कैसे काम करता है रनिंग सर्विसेज देख लेते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए आ गया आपकी रैम स्टेटस आ गया। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा एप्लीकेशन ज़्यादा रैम कंज्यूम करता है, और अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज नहीं करते हैं फिर भी रैम कंज्यूम करता है तो यहाँ पर आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सिंपली आप एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर गूगल प्ले म्यूजिक है तो इसे मैं क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर स्टॉप ऑप्शन है, यहाँ पर आप स्टॉप कर सकते हैं जिसके खातिर आपका जो रैम हो कंज्यूम करता है वो बंद हो जाएगा। तो ये एक अच्छी एडवांटेज है कि आप यहाँ पर आके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और अपना रैम जो कंज्यूम होता है उसे बंद कर सकते हैं। तो ये है रनिंग सर्विसेज का काम। अभी इम्पोर्टेंट है, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक 100 touches आएगा, 100 touches। तो इसको अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो दोस्तों जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे तो वो शो होगा। मतलब देखिए यहाँ पर मैं ऊपर में डेवलपर ऑप्शन के जगह में क्लिक करता हूँ तो वो शो होता रहता है, तो ये आपकी जो टॉच है उसको शो कर लेगा। तो इसे मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों 100 pointer location, ये क्या काम करेगा, ये एक ड्राइंग के तरह होगा। ये देखिए जहाँ पर भी आप अपना टॉर्च घुमाएंगे वो ड्राइंग जैसा होगा, पर ये कोई काम का नहीं है, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों एक 100 layout boundaries होगा, जो कि इसको अगर ऑन करेंगे तो आपकी जो जितने भी ऑप्शन है वो बाउंड्री मतलब मार्जिन के अंदर आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह का हो जाएगा। तो ये 100 layout boundaries ऑप्शन का काम है। दोस्तों उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोर्स आरटीएल लेआउट, जो कि फोनी है। ये इस तरह करने से दोस्तों के साथ मजाक भी कर सकते हैं, ये सिर्फ फोनी के लिए। देखते हैं ये अगर ऑन कर देंगे दोस्तों आपके जो ऑप्शन है वो राइट साइड में चले आएंगे और जो ऑन ऑफ का बटन है वो लेफ्ट साइड को चले आएगा। तो अगर ये करके कोई दोस्त को दे देगा तो दोस्त अगर नहीं जानता होगा फोर्स आरटीएल लेआउट क्या होता है तो वो मतलब पागल हो जाएगा कि ये कैसा होता है। तो ये एक फनी है, तो इसे मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। दोस्तों इसके बाद जो 4 options हैं वो आपके मोबाइल को स्पीड अप कर सकते हैं, जैसे विंडोज एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल। मैं दिखाता हूँ अभी, इसको मैं क्लिक करता हूँ विंडोज एनिमेशन स्केल में, यहाँ पर दिख रहा आपका एनिमेशन स्केल 0.5x, 1x, 1.5x, 2x, इस तरह का जो है एनिमेशन आप इस मोबाइल को स्पीड अप और स्लो कर सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एनिमेशन स्केल 10x को सिलेक्ट करता हूँ, मेरा मोबाइल जो है स्लो हो जाएगा। देखिए कितना स्लो से ऑप्शन आता है आप देख सकते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूँ, एनिमेशन स्केल 2x कर देता हूँ, तो देखिए अभी उससे थोड़ा स्पीड हुआ, मतलब 10x से। उसके बाद मैं एनिमेशन स्केल 0.5x कर दिया, देखिए कितना फास्ट हुआ। अगर मैं एनिमेशन ऑफ कर देता हूँ तो कितना स्पीड होगा, देखिए पहले से ज़्यादा स्पीड हो गया। तो ये करके आपके मोबाइल को स्पीड अप कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं। जो कि स्लो होता है जिसका मोबाइल, तो वो एनिमेशन ऑफ करके स्पीड कर सकते हैं। इसी तरह का आप ये 4 में ट्राई कर सकते हैं, जो कि आपके मोबाइल को स्पीड अप कर सकता है। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि गेम खेलने का पसंद करते हैं, अगर उन्हें चाहिए हाई क्वालिटी एंड गेम ग्राफिक्स वाला गेम खेलना है, तो यहाँ पर फोर्स जीपीयू रेंडरिंग है, उसको ऑन कर देंगे तो हाई क्वालिटी गेम जो खेल सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। तो ये फोर्स जीपीयू रेंडरिंग का काम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो सीपीयू है प्रोसेसर वो क्या यूसेज है उसको भी आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं इसको ऑन कर दिया,
ये ऊपर में यूजेस दिखा दिया है, जो प्रोसेसर जो जो काम करता है उसका यूसेज आपको ऊपर में दिखाई देता है। तो ये 100 सीपीयू यूसेज का काम है। इसके बाद दोस्तों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं बात बोलने से पहले मैं इसको बैक करता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। होता क्या है, जब हम मोबाइल यूज करते हैं तब मोबाइल पे कुछ एप्लीकेशन प्रॉपरली शट डाउन नहीं करते हैं और हमारे बैकग्राउंड में रन करती रहती है इस तरह का। जैसे मेरे मोबाइल में आप देख सकते हैं कितने सारे एप्लीकेशन एक साथ ओपन है, मतलब बैकग्राउंड में चल रहा है, जो कि मैं उस एप्लीकेशन को यूज नहीं करता हूँ फिर भी वो मेरे बैकग्राउंड में काम करता है। काम करता है मतलब वो मेरे प्रोसेसर और रैम को भी यूज करता है, जिसके खातिर मेरे मोबाइल स्लो होता है। देखिए ये मेरा सारे एप्लीकेशन यहाँ पर ऑन है, ये जो मैं यूज नहीं करता हूँ फिर भी मेरा रैम प्रोसेसर यूज करता रहता है, तो इसके खातिर मेरा मोबाइल स्लो हो जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इन सबसे मोबाइल को कैसे स्पीड करें। आपको आपके मोबाइल में सेटिंग में जाना होगा, सेटिंग में जाके फिर से डेवलपर ऑप्शन को जाना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लिमिट बैकग्राउंड प्रोसेस, जो कि स्टैंडर्ड लिमिट बाय डिफ़ॉल्ट होगा। स्टैंडर्ड लिमिट का मतलब आप जितने एप्लीकेशन चाहें बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं, मतलब रन कर सकता है, इसके मतलब आप सारे एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं। पर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा आपको, जो कि आपकी रैम और प्रोसेसर को कंज्यूम करना थोड़ा कम कर देगा। जैसे कि यहाँ पर नो बैकग्राउंड प्रोसेस है और एटमोस्ट 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 प्रोसेस 4 प्रोसेस ऐसे ऑप्शन मिलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 3 और 4 प्रोसेस करिए। नो बैकग्राउंड प्रोसेस करने से आपकी मोबाइल हैंग हो सकता है, तो आप यहां पर एटमोस्ट 3 आप प्रोसेस को आप ऑन कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरह के आपके जो मोबाइल स्पीड कर सकते हैं। और यहां पर जो डेवलपर ऑप्शन मोड में बहुत सारे सेटिंग्स से है, इसे आप ट्राई कर सकते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट था मैं आपको बता दिया, तो चलिए मैं आपको कुछ और सेटिंग्स दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्सेसिबिलिटी, तो इसको अगर ऑन करेंगे यहाँ पर मिलेगा आपको विजन हियरिंग, इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। आप विजन में जाएंगे, इसके बाद एक ऑप्शन होगा मैग्निफिसेंट जेस्चर, तो इसको ऑन करेंगे, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ ही होता रहता है, इसको ऑन करेंगे तो आप अगर जहाँ कहीं भी 3 बार क्लिक करेंगे तो वो जूम हो जाएगा। ये देखिए जूम हो गया, फिर मैं 3 बार क्लिक करूँगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये मैग्निफिसेंट जेस्चर का काम है, इसको अगर ऑन करेंगे तो वो 3 बार क्लिक करने से जूम हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको जितने भी सीक्रेट सेटिंग्स दिखाया वो सारे फीचर्स आपके मोबाइल को स्पीड अप कर सकता है, और आपके जो प्रॉब्लम्स है जैसे स्लो होना, हैंग होना, वो कुछ हद तक सॉल्व हो सकता है डेवलपर ऑप्शन मोड के सेटिंग्स में आप जाके खुद ट्राई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस वीडियो के रिलेटेड कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं उसको रिप्लाई दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल, ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग टेक्निकल वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहूंगा। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय।